ये मुझे अभी विद इन 7 दिन पहले पता चला मुझे कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। पूरे रास्ते में सर यही सोच रहा था कि मैं उस सर से मिलूंगा तो मैं बात कर पाऊंगा, कुछ मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे कि मैं उनसे सामने मिलूंगा तो कैसे रिएक्ट करूंगा। मेरा जितना सारा दोस्त है सब ऋतिक का फैन है वहाँ पे और वो वेट कर रहे हैं अभी कब फोटो आएगा बोल के। मुझे पता चला कि ऋतिक सर अभी नहीं मिलने वाले हमको तो यार मैं टोटल नर्वस हो गया था। वो टाइम तो बहुत एम्ब्रेसिंग था। नहीं ऐसा लगा कि अभी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मन किया कि अभी ना फोटो खिंचाना है ना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है और बस अपना बैग उठा के घर निकल जाना है। Good, let's go. ब्रैंक किया था? ओहो सर ने किया था क्या? अभी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। हार्ट बीट 200 के पार होगा उस टाइम में। आंखों में से खुशी के आंसू आ गए थे, इतना खुश हो गए। मतलब माइंड हैंग हो गया, समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ क्या हो रहा है। शॉक लगा, एकदम से शॉक जैसे लगा, फटाक से हमको देख के सामने ही देख के। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो दिख रहे थे और वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था। हाँ मेरी वाइफ ने मुझे रात को वीडियो कॉल किया था जब मैं टैटू बनवा रहा था, तो मैंने उसे थोड़ा झलक दिखाया कि देखो मैं ये बना रहा हूँ, तो वो बहुत गुस्सा हो गई कि तुमने यार उसी से ही शादी करनी थी। ये एक्सपीरियंस तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मिंत्रा का मैं पूरे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मिंत्रा को, HRX को, जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो मेरा ड्रीम रियली में ट्रू हो गया। जो 19 साल के बाद मेरा जो सपना पूरा हुआ अभी मिंत्रा के द्वारा, इसलिए मैं बहुत आभार हूँ मिंत्रा को। आज मिलके तो मैं, मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं, मैं इतना खुश हूँ। आते वक्त सिर्फ ऋतिक ही ऋतिक माइंड में थे और जाते वक्त वही रहेंगे माइंड में, ऋतिक सर ही माइंड में रहेंगे।